खबर बारां से है, जहां चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए निजी क्लिनिकों को सीज किया है। दरअसल कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चिकित्सा विभाग का मानना है कि निजी क्लिनिक पर मरीजों की जांच नहीं हो पा रही थी और क्लिनिक संचालक सर्दी जुकाम के मरीजों को दवाइयां देकर रवाना कर देते हैं, जिनके कारण कोरोना वायरस के लक्षण कुछ समय के लिए टल जाते हैं। आज जो चिकित्सा विभाग की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो हम दोनों के कंबाइंड जो एक अभियान चलाया जा रहा है, इसमें जो अनाधिकृत जो क्लिनिक है उन क्लिनिक्स को सील लगा के नोटिस चिपकाया जा रहा है। उस नोटिस चस्पा में ये लिखा जा रहा है कि जो अनाधिकृत क्लिनिक है, जो अभी एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत जो संक्रमण को फैलाने के चांस जहाँ ज़्यादा होते हैं, उन क्लिनिक्स को सील लगा के नोटिस चस्पा करके उनमें नोटिस में लिखा जा रहा है कि बिना आगे चिकित्सा विभाग की परमिशन के इन क्लिनिक्स को अवैध क्लिनिक्स को नहीं चलाया जाएगा, जहाँ तक इनके द्वारा संपूर्ण दस्तावेज जमा नहीं करा दी जाएंगे। तो और ये एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इन क्लिनिक्स को बंद कराने का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जो कोरोना महामारी का जो संक्रमण है इसको फैलने के लिए फैलने के जो ज़्यादा चांस है उनको हमें